चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरें। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास समाप्त, सशस्त्र बलों ने किया क्षमताओं का प्रदर्शन। पंजाब में अब सुबह 7:30 बजे खुलेंगे सरकारी दफ्तर, सीएम भगवंत मान बोले देश में पहली बार ऐसा होगा। यूपी सरकार अगले 3 वर्षों में देगी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, देवरिया में सीएम योगी ने की घोषणा। पीएम मोदी पर टिप्पणी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, तीनों केसों को खारिज करने की मांग। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर डिप्टी सीएम ने जताई चिंता, बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश। मंदिर की राजनीति कर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश, मुख्यमंत्री सिंधे के अध्यय दौरे पर बोले शरद पवार। कोरोना के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी, केरल में 24 घंटे में मिले 1801 नए केस। सरकारी स्कूल के खराब रिजल्ट पर पहली बार बोले सीएम केजरीवाल, हम नहीं चाहते कोई फर्जी डिग्री लेकर पीएम बने। कोरोना के मामले 6000 पार, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा निगरानी रखिए, दिल्ली में 535 नए मामले। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को आधी रात यूपी के होटल से निकाला, पुलिस बोली कर्मचारियों को नहीं पता था सामान आरजेडी नेता का है। बदलेगी चाइना बॉर्डर पर बसे गांवों की तस्वीर, वीवीपी शुरू करने जा रही है मोदी सरकार, लोगों को होगा बड़ा फायदा। होला के बाद अब आइसक्रीम बाजार में उतर सकते हैं मुकेश अंबानी, गुजरात की कंपनी में चल रही है बातचीत। अमीर और भी अमीर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। तमिलनाडु में दही पर विवाद के बाद अब कर्नाटक में अमूल वर्सेस नंदनी पर गर्माई सियासत, जानिए आखिर क्या है विवाद। 3 राज्यों में मास्क की वापसी, अस्पताल में मास्क ड्रिल, कोरोना मामले में फिर बन रहे हैं पहले जैसे हालात। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी टेंशन देने वाली स्पीड, 733 नए मामले, 20% के पास पहुंची संक्रमण दर। समुद्र में चीन से हमें बड़ा खतरा, सांसदीय कमेटी को भेजी रिपोर्ट में सीडीएस ने माना, इंडियन नेवी से अच्छी स्थिति में है पाकिस्तान। बिहार रामनवमी वायलेंस में संपत्ति की कुर्की के डर से सहमे आरोपी, बजरंग दल के नेता कुंदन सहित 7 ने किया आत्मसमर्पण।